मम्मी अपने YouTube को यूज करते हुए कथा लगाने वाले हैं, बोल रहे अच्छे से ये बोलते रहे कि हम पूजा करते रहेंगे आराम से, वरना मम्मी को बोलनी पड़ेगी। गाइस अभी 11:02 हुए हैं और आज बहुत ही जबरदस्त सीन हो गया मेरे साथ। हुआ क्या, मैंने गूगल पे सर्च मारा कि हाउ टू रीच रोपड़ फास्ट। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। बहुत ही खतरनाक वाली ठंड पड़ रही है, आप लोग एंजॉय कर रहे हैं, विंटर हॉलीडेज कर ही रहे होंगे। पिछले व्लॉग में आप लोगों ने देखा कि हितेश गौतम मेरा दोस्त, हम लोग उसकी शॉपिंग कराने गए थे। एक्चुअली उसका मैरिज फंक्शंस आने वाले हैं तो उसकी शॉपिंग करनी थी चंडीगढ़ से, तो हम लोग वहाँ गए थे। लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा काफ़ी प्रॉब्लम भी हो गई थी, एकदम से टायर हमारा बिल्कुल ही तहस नहस हो गया था गाड़ी का, पर फिर भी भगवान की कृपा से हम अच्छे से पहुंच के हमारे का काम हो गया सारा मोस्टली। अभी क्या है कि अभी जहाँ मैं जॉब करता हूँ सेंटिस, हमें वहाँ पे एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है कि एक आप एडिशनल ऑफ ले सकते हैं मंथ में, कभी भी जॉब का मन चाहे। तो मैंने वो आज अवेल कर लिया, कल वेंसडे, कल मेरी छुट्टी है वैसे ही, तो मैंने आज भी ले ली। मैं कहा चलो मेरे दो ऑफ इकट्ठे हो जाएंगे, फिर मेरी नाइट शिफ्ट है तो 3 दिन की छुट्टी हो रही है, मज़ा आ गया। मतलब ऐसी कंपनी, भगवान का शुक्रिया कि ऐसी कंपनी में मेरे को काम करने का मौका मिला। तो अभी क्या है कि आज है एक स्पेशल व्रत है मम्मी का, ठीक है, ये यूपी में मनाया जाता है त्यौहार स्पेशली, तो मम्मी ने आज व्रत रखा हुआ है। तो अभी मम्मी उसकी पूजा की तैयारी करती है, इसलिए मुझे सुबह जल्दी उठा दिया मम्मी ने 8 बजे। आज छुट्टी थी, आराम से उठना था मैंने, पर मम्मी बोलते उठ जल्दी तैयार हो जा फटाफट से और पूजा करवानी है फटाफट से, क्योंकि मोस्टली क्या है कि बॉयज़ का उसमें जो मतलब बेटा होता है उसका ही उसमें रहता है रोल ज़्यादा। तो मैं रेडी हो चुका हूँ, इस सीज़न में पहली बार मैंने ये वाली टी शर्ट पहनी है। तो अभी चलते हैं, मम्मी अपनी प्रिपरेशन कर रही हैं, हम भी चलते हैं, उनकी थोड़ी हेल्प करते हैं। अगर आपको इस व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगेगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मेरे 2000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, 8000 और चाहिए, इस साल का टारगेट है 10,000 सब्सक्राइबर्स। तो प्लीज़ अगर कुछ भी अच्छा लगेगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं, मैं तैयार हो गया हूँ, राखी भी लगभग तैयार हो गई है, हो गई तैयार। अच्छा, और ये बना रही है मेरा नाश्ता, नाश्ता बना रही है। मम्मी ने अपना पहले बना लिया सारा सामान जो उन्होंने पूजा में चाहिए था, तो अभी भी आ रहा हूँ, तो जल्दी से बना। फिर पहले मेरी गाड़ी भी साफ करनी है ना, घूमने निकलना है तो तू ही करेगी साफ। अभी हम चलते हैं मंदिर में, मम्मी पहुँच गए मंदिर में, पूजा की तैयारी हो गई है स्टार्ट। तो ये पूजा की प्रिपरेशन है सारी, जो मम्मी सुबह से, मम्मी भी तैयार हो गए, सुबह उठ गए, मेरे को बिठा दिया कि तैयार हो जा, तो मम्मी अब कर रहे हैं प्रिपरेशन। जैसे ही प्रिपरेशन कम्प्लीट हो जाएगी फिर हम अपनी पूजा स्टार्ट कर देंगे, है ना मम्मी? कोई नहीं, बहुत ही यूनिक सी पूजा होती है, यूपी का स्पेशल त्योहार है ये। ये लड़का तो, जिसका होता है वही व्रत रहता है। अच्छा अच्छा, ये लड़का का व्रत है। ठीक है ठीक है, बेटे का है ये ना, बेटे का। चलो ठीक है, हम चलते हैं। अभी मैंने तो अपना कर लिया है हीटर ऑन, यहाँ बैठ जाते हैं। अभी नाश्ता हम करेंगे पूजा के बाद, पहले पूजा करेंगे वहाँ पे जाके, सामने पूजा घर है, उसके बाद पे जब तक यहाँ बैठ जाते हैं। तो गाइज मम्मी ने प्रिपरेशंस कर लिए कंप्लीट, दिया वगैरह सब, पूजा की तैयारी हो गई है। मम्मी बोल रहे कि अभी मैं यूट्यूब, मम्मी अपने यूट्यूब को यूज करते हुए कथा लगाने वाले हैं, बोल रहे अच्छे से ये बोलते रहे कि हम पूजा करते रहेंगे आराम से, वरना मम्मी को बोलनी पड़ेगी पूजा पूरी। तो अभी मम्मी ने यूट्यूब खोले, मम्मी को सिखा दिया हमने कैसे यूज करते हैं फोन। अब मजे से हमें जो भी चाहिए होता है हमें यूट्यूब पे सर्च मार के फटाफट से कर लेते हैं, बढ़िया टेक्नोलॉजी का फायदा उठाते हुए। लड़के ने अचंभा किया, बुढ़िया ने बताया बेटा यहाँ का राजा छठे महीने एक पकवान पकाता है और पकने के लिए हर बार एक आदमी की बलि दी जाती है। उसका नियम यह है कि बारी बारी हर घर का एक आदमी दिया जाता है। आज मेरे 7वें लड़के की बारी है, उसको आज मालपुए खिलाऊंगी, सुबह होते ही राजा का बुलावा आ जाएगा। अभी पूजा हो गई है समाप्त, बहुत ही प्यारी कथा थी, मैंने भी पहली बार सुनी, मैंने और राखी ने पहली बार सुनी कथा आज। तो हमारी पूजा हो गई है कम्प्लीट, जय माता दी, जय माता, जय श्री गणेश भगवान, जय संकट देवी, संकट चौथ, संकट चौथ भगवान की जय। जय संकट चौथ माता, जय संकट चौथ। तो गाइस अभी सबसे इम्पोर्टेंट थी जो बलि चढ़ाने वाली बात बताई गई कथा में ना, वो अभी हो रहा है, वो ऐसे चढ़ाते हैं। लो जी बलि चढ़ा दी गई है, जय माता दी, जय बाबा महाराज, जय शंकरदेव महाराज। तो गाइज अभी पूजा समाप्त और टाइम हो गया खाना खाने का, क्योंकि हमारा टाइम हो गया 9:30 और मुझे निकलना है फिर घूमी घूमी करने के लिए। रखू फटाफट से नाश्ता निकाल ले और मुझे नाश्ता पकड़ा, मैं नाश्ता खाता हूँ। ये जाएगी नीचे जब तक अपनी हमारी कार को क्लीन करके आएगी, क्योंकि मैंने जाना है। तो शाबाश शाबाश,
तुझे तभी लेके जाऊंगा मैं ऑफिस, तेरे को ड्रॉप कर दूंगा ना यार उसके लिए। नहीं नहीं तू मेरी कार क्लीन कर, मैं तेरे को ऑफिस छोड़ दूंगा जाते जाते रास्ते में। जल्दी नाश्ता दे फटाफट, इतना टाइम नहीं है, देख ले 9:30 हो गए। तो गाइज ये आ गया हमारा फास्ट स्पेशल खाना, सबका फास्ट और हमारा स्पेशल खाना ऐसे ही होता है कि यूपी में स्पेशली ये होता है कि पूड़ियाँ बनानी होती है, कोई भी त्यौहार होता है तो अपने को मिल गई हैं पूड़ियाँ और साथ में ये राजमा। अभी आ जा राखी फटाफट से, तेरे को मैंने बोलता था खाना दे और तू कार साफ करने जा, यहाँ कहाँ घूम रही है तू भाई, जाना कि नहीं जाना तेने। हाँ तो चल लंच पैक कर ले फिर चलते, चल मैं तेरी हेल्प कर देता हूँ थोड़ी, वरना बोलेगी मेरे को काम में लगा के रखता है। हाँ हाँ चल आ जाए। गाइस ये खड़ी है हमारी लाडो और मौसम देखो यार भाई, तगड़े वाला कोहरा हो रखा है, बिल्कुल जीरो विजिबिलिटी है यहाँ से ही। अभी बाहर निकलेंगे तो दिखाता हूँ मैं आपको रोड पे क्या हाल है, मुझे लगता नहीं है कुछ दिख रहा है। गाइज राखी को मैंने आज थोड़ा सा क्या कहते हैं रिलैक्स दे दिया, मैं आया और मैंने खुद ही पहुँच दी गाड़ी, मैं कहा कोई बात नहीं हर बार तेरे से कराना ठीक लगता नहीं है तो हाँ तो क्या हो गया, मैं क्या मैं खुद कर दूंगा, इसमें क्या दिक्कत है, मैं मेरी गाड़ी में मेरे को करनी पड़ेगी क्या है, चलो कोई नहीं हेल्प ले लेते हम कभी कभार। पर अभी क्या है कि मैं कहाँ निकल रहा हूँ, मैं निकल रहा हूँ होशियारपुर के लिए, अपनी 3 छुट्टियाँ यहाँ क्या करना सोना, वहाँ जाके व्लॉग व्लॉग बनाएंगे, आप लोग को नया ढूंढेंगे कुछ दिखाएंगे है ना, और रखू को छोड़ देंगे ऑफिस, तो फ्री सेवा है आज इसके लिए, इसने आज काम नहीं किया फिर भी मैं उसको ऑफिस छोड़ दूंगा, कोई बात नहीं चल। फ्री सेवा 9:56 हो गए बहुत तगड़े वाली धुंध रखी है यार, बहुत तगड़े वाली, अभी आपको रास्ते में दिखाऊंगा क्या व्यू है। तो गाइस सोचा आपको व्यू दिखाई दूं, देखो भाई व्यू कुछ नहीं, कुछ भी नहीं दिख रहा है आपको, बस वही दिखेगा जो आपको सामने दिख रहा है बस, उसके अलावा दूर दूर तक बिल्कुल कोहरा कोहरा। ये टाइम देख लो 10 बज गए और फिर भी मैंने फॉग लैंप अपनी ऑन कर ली है, टॉप मॉडल का गाड़ी का कुछ तो फायदा है अपने को, और बस आगे चौक आएगा वहाँ पे राखी जी को हम कर देंगे बाय बाय और फिर हम निकल जाएंगे अपने टूर के लिए। तो मेरे को 3 घंटे की ड्राइव है होशियारपुर पहुंचते हैं, पता ही आपको, तो रास्ते में शायद धूप निकल जाए मौसम ठीक हो जाए, पर अभी तो बिल्कुल ही बुरे हाल है, अभी तो बिल्कुल भी विजिबिलिटी नहीं है, जीरो विजिबिलिटी है, 20 मीटर की ही विजिबिलिटी है, बहुत है बहुत है, इतनी बहुत है, दिख तो रहा है कम से कम। तो कोई नहीं रास्ते में क्या पता ठीक हो जाए, पंजाब में तो फॉग ज्यादा होती है, नहीं आगे उतार दूंगा तेरे को, आगे चल जाइए, वहाँ दूर पड़ता है क्या, तो बस फिर आगे उतारता हूँ। गाइस अभी जस्ट मैंने गरू को कॉल करी, मैं कहा उधर क्या माहौल है, इधर तो फॉग ही फॉग है तगड़े वाला, वही बड़े आराम से ड्राइव कर रहा हूँ मैं, वो बोलती यहाँ भी बहुत ही बुरे हाल है, वो भी जा रही थी अपने कॉलेज ना, तो बोलती अभी बड़ी मुश्किल से जा रही हूँ मैं, बाहर अभी बिल्कुल भी कुछ नहीं दिख रहा और ठंड ऐसी लग रही है, मौसम हो गया कि बारिश ही होने वाली है। मैं कहा बारिश होगी तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा मौसम तो साफ हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, पर अभी तो क्या है कि धुंध रखी है उधर भी इधर भी। तो अभी पहुँचा मैं नालागढ़, तो अभी यहाँ से अपने को जाना है रोपड़, तो बाई चांस शायद हो सकता है भगवान कृपा हो तो थोड़ी धूप निकल जाए, धूप निकलेगी तो स्पीड थोड़ी बढ़ जाएगी गाड़ी की, वरना बहुत ही आराम से ड्राइव करनी पड़ेगी। गाइज अभी 11:02 हुए हैं और आज बहुत ही जबरदस्त सीन हो गया मेरे साथ, हुआ क्या मैंने गूगल पे सर्च मारा कि हाउ टू रीच रोपड़ फास्ट, ठीक है, उसने एक ऐसा रास्ता बताया ना मुझे कि मेरा सीधा सीधा ना 25 से 30 मिनट का रास्ता जो मेरा ना बच गया है, वो वैसे मैं 10 बजे निकला था तो 11:30 के आसपास मुझे रोपड़ पहुंचना था बद्दी से, पर भाई साहब मैं सिर्फ 11:02 पे पहुंच गया हूँ, मज़ा आ गया, मतलब ये रोड पहले क्यों नहीं देखी मैंने, 2 साल हो गए मुझे जाते हैं होशियारपुर, पर ये रोड थैंक यू यार, मतलब गूगल आज तो जबरदस्त मजा, अब मैं इसी रोड से आया करूँगा हमेशा ना, और आधा घंटा बचाया करूँगा अपना, वाओ थैंक यू थैंक यू। अभी बच गए हैं 12:54 और मैं पहुँच चुका हूँ घर पे होशियारपुर, अभी गुरु को मैंने कॉल करी थी तो बोल रही थी कि मैं अभी कॉलेज में ही हूँ, थोड़ा लेट ही निकलूँगी क्योंकि एग्ज़ाम्स चले हुए हैं वहाँ बच्चों के, तो काफ़ी टाइम लग सकता है थोड़ा, तो मैं कहा ठीक है मैं तो पहुँच गया हूँ, अब आप आओ फिर मिलते हैं आराम से, यहाँ लगा देंगे अपनी पार्किंग में गाड़ी। गाइज अभी मैं पहुंचा जस्ट और मैंने अपना व्हाट्सएप चेक किया तो एक मैसेज आ रखा था ऑफिस से कि एक अर्जेंट ट्रेनिंग असाइन हुई है मुझे जो कि करनी बहुत ही जरूरी है, बाकी सब ने अपडेट भी कर दिया कि हमने कर ली। मैं तो ड्राइव कर रहा था, मैंने तो व्हाट्सएप चेक ही नहीं किया, अभी जब पहुंचा मैं पार्किंग में लगाई तब मैंने चेक किया कि मैसेज आ रखा है, तो अभी मैं लैपी लाया हूँ, शुक्र है कि मैंने वीडियोज अपलोड करनी थी एडिटिंग करनी थी मैं लैपी ले आया, तो अभी अपना ट्रेनिंग वाला काम मैं कर सकता हूँ, फोन में तो साइट ओपन होती नहीं है तो आईफोन में प्रॉब्लम है, बाकी सब हो जाती है ओपन, आईफोन में नहीं होता वो सर्वर ऑन। तो अभी अब घर चलते हैं फटाफट से, सबसे पहले मेरे को ये ट्रेनिंग कंप्लीट करके अपलोड करना पड़ेगा कि हाँ भी मैंने कर दिया है कंप्लीट, उनको बताना पड़ेगा। तो गाइस अभी मैंने ये ऑन किया लैपी और ये वो ऐप है आई साइंटिस्ट के नाम से, इसमें मेरी सारी ट्रेनिंग्स वगैरह होती हैं, तो अभी लॉग इन करेंगे और इसमें ट्रेनिंग निपटाते हैं। तो गाइस बस 10 मिनट का काम था, ट्रेनिंग मैंने कर दी और मैसेज मैं अपलोड कर दिया कि भाई मैंने कर ली है ट्रेनिंग, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी गुरु आई नहीं है, 1:30 बज गया है, पापा गए हैं लेने के लिए, शायद अभी छुट्टी हो जाएगी। तो गाइस हेलो, गुरु मैम आ चुके हैं, पापा भी इसको लेकर, देखो क्या बनी हुई है, पूरे जादू जैसे फीलिंग, ग्लव्स टोपी सब, ठंड है। तो अभी मैडम आ गए हैं, तो अभी मेरे लिए बन रही है कॉफ़ी, ये पी ले कॉफी है कॉफ़ी, अभी हम कॉफ़ी पीते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, सुबह से ट्रैवल कर रहा हूँ मैं। अभी ये व्लॉग एंड कर रहे हैं, अभी हम अगला व्लॉग बहुत ही धमाकेदार बनाना, गुरु ने एक चीज़ प्लान करी है, उसने मुझे बताई थी, वहाँ जाएंगे हम आज, है ना, चलेंगे जाओगे,
तो हम वहां जाएंगे शाम को, ठीक है? मुझे नहीं पता कहां जाना ये बताती है फिर भूल जाती है, मुझे याद रखना पड़ता है कहां जाना है हमने। तो अगर कुछ भी अच्छा लगा ब्लॉग में प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।